हेलो दोस्तों, नमस्कार। AGIS एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कांग्रेस ने बीजेपी को कर्नाटक असेंबली चुनाव में क्यों हराया। व्हाई कांग्रेस ट्रॉन्स्ड बीजेपी इन द कर्नाटक असेंबली इलेक्शन। मेरा लेसन प्लान है कि व्हाई इज इट इन द न्यूज। दूसरा, कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ बीजेपी एंड द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस। तीसरा पॉइंट है कि व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ कांग्रेस इन कर्नाटक असेंबली ऑन द नेशनल पॉलिटिक्स, अर्थात देश की राजनीति पर कर्नाटक चुनाव का क्या असर पड़ेगा, और फाइनली कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब हम बारी बारी से इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 13 मई को कर्नाटक असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हुआ और उसमें कांग्रेस को जबरदस्त सफलता हासिल हुई। उसे 136 सीट मिला, जबकि बीजेपी को मात्र 65 और जेडीएस को मात्र 19 सीट से संतोष करना पड़ा। 2018 के चुनाव से अगर तुलना करें तो कांग्रेस को 56 सीट ज़्यादा मिली, बीजेपी को 39 सीट कम मिली और जेडीएस को 17 सीटें कम मिली और वह 20 सीट पर सिमट गई। इस चुनाव में कांग्रेस को 42.9% वोट मिले और वह 2018 के चुनाव से 4.9% वोट का इजाफा कांग्रेस को हुआ। लेकिन बीजेपी को जितना वोट 2018 के चुनाव में मिला था, उतना ही मिला, 0.3% वोट की नाम मात्र की हानि हुई। लेकिन जेडीएस के वोट में जबरदस्त रूप से कमी आई और उसे 5% वोट कम मिले। दोस्तों, बीजेपी को जहां शहरी क्षेत्र में 3.7% वोट का इजाफा हुआ, वहीं पर कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों में 6% वोट का इजाफा हुआ। कांग्रेस को हर क्षेत्र में ज्यादा वोट शेयर मिले और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में या नॉर्थ कर्नाटक क्षेत्र में उसे जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन बीजेपी को बेंगलोर में और कोस्टल एरिया में वोट शेयर में इजाफा हुआ। जेडीएस को ओल्ड मैसूर एरिया में, जहां पर कि उसका स्ट्रांग होल्ड है, 8.6% वोट की कमी 2018 के तुलना में हुई। लेकिन बीजेपी को ओल्ड मैसूर क्षेत्र में 9.6% वोट की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस को शेड्यूल कास्ट के वोटों में 5.5% और शेड्यूल ट्राइब के वोटों में 9.8% वोटों की बढ़ोतरी हुई। और ये सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का लैंडस्लाइड विक्ट्री होने का। इस चुनाव में हम देखते हैं कि कांग्रेस को शहरी क्षेत्र में, केवल बंगलोर क्षेत्र को छोड़ के, देहाती क्षेत्रों में, सेमी अर्बन एरिया में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच में और मुस्लिमों का वोट जबरदस्त ढंग से मिला, और यही कारण रहा कि वह लैंडस्लाइड विक्ट्री पाने में सफल हुई। लिंगायतों ने भी जबरदस्त रूप से नॉर्थ कर्नाटक एरिया में कांग्रेस को वोट दिया, और यही कारण है कि जितने लिंगायत कैंडिडेट को कांग्रेस ने खड़ा किया था, उसमें से 3/4 लिंगायत कैंडिडेट ने सफलता प्राप्त की। इस चुनाव में जेडीएस को जबरदस्त ढंग से नुकसान हुआ। शहरी क्षेत्रों में 2018 में जेडीएस को 14.1% वोट मिले थे, वह घट करके 5.9% हो गया, और ओल्ड मैसूर एरिया में, जिसको साउथ कर्नाटक क्षेत्र कहते हैं, जहां पर कि वकालिंगा समुदाय बहुत डोमिनेंट कास्ट है और वहां पर जेडीएस की जबरदस्त रूप से पकड़ है, वहां पर भी 8.6% वोट की कमी आई अगर 2018 से आप तुलना करें। अब मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि आखिर कांग्रेस के जीतने का क्या कारण है और बीजेपी के हार के क्या कारण है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कर्नाटक में दो महत्वपूर्ण डोमिनेंट कास्ट हैं और उसी दो डोमिनेंट कास्ट के इर्द गिर्द कर्नाटक की राजनीति पिछले 50-60 वर्षों से चलती आ रही है। एक समूह का नाम है लिंगायत और यह एक धार्मिक समूह है जिसमें 101 कास्ट हैं, और दूसरे समूह का नाम है वोकालिंगा, और यह साउथ कर्नाटक में जो ओल्ड मैसूर रीजन है वहां पर डोमिनेंट है, जबकि लिंगायत समूह नॉर्थ कर्नाटक में डोमिनेंट है। लिंगायत 1990 से लगातार बीजेपी के महत्वपूर्ण वोट बैंक रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में
लिंगायत कांग्रेस की तरफ वोट करते नजर आए हैं, जैसे कि 68 लिंगायत कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया था, लेकिन उसमें से मात्र 26.47% लिंगायत कैंडिडेट ही जीत पाए, जबकि कांग्रेस के द्वारा जो लिंगायत कैंडिडेट खड़ा किया गया था उसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 74.51% रहा। मतलब 3/4 कैंडिडेट जो लिंगायत समूह के थे वह जीत गए। इसका मतलब क्या होता है कि लिंगायतों ने खास करके नॉर्थ कर्नाटक क्षेत्र में जबरदस्त ढंग से कांग्रेस का समर्थन किया। दोस्तों, जेडीएस का स्थिति कर्नाटक में वैसा ही है जैसे कि पश्चिमी यूपी में लोकदल का है, और जिस तरह से पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिमों का संयुक्त रूप से एक कॉम्बिनेशन बनता है और लोकदल वहां पर एक प्रभावी शक्ति के रूप में पिछले 50 साल से एक्टिव रही है, उसी तरह से साउथ कर्नाटक में खास करके ओल्ड मैसूर इलाका में जेडीएस का वोकालिंगा जाति और मुस्लिमों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन रहा है, और जिसके कारण से वह एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में इस क्षेत्र में डोमिनेट करती रही है पिछले 30 साल से। लेकिन इस बार मुस्लिमों ने जेडीएस को छोड़ करके कांग्रेस को वोट दिया, और अगर एग्जिट पोल की माने चाणक्य और न्यूज 24 का विश्लेषण, तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 77% मुस्लिमों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, और यही कारण है कि ओल्ड मैसूर क्षेत्र में बीजेपी के वोट में 9.5% वोट का इजाफा होने के बावजूद भी उसे सीट नहीं मिला और अधिकांश सीट ओल्ड मैसूर क्षेत्र में कांग्रेस के झोली में चले गए, और वहां पर डीके शिव कुमार जो एक वोकालिंगा समुदाय से आते हैं उनका भी जबरदस्त प्रभाव रहा, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी कांग्रेस स्वीप कर गया। जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह जाहिर किया कि वह बजरंग दल को बैन कर देगी अगर वह सत्ता में आई, तो इसका जबरदस्त प्रभाव मुसलमानों पर हुआ, और जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान कर्नाटक में 13-14% हैं, और ये एक पक्ष होकर के कांग्रेस को वोट किया। दोस्तों, बीजेपी में बीएस येदियुरप्पा जो अनेक बार कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और लिंगायत के सम्मानीय नेता रहे हैं, उनको साइडलाइन करना, जगदीश सट्टार जो एक लिंगायत नेता रहे हैं, लक्ष्मण सावदी वह भी लिंगायत समुदाय के हैं, इन्हें टिकट नहीं देना, और फिर इन दोनों नेताओं के द्वारा कांग्रेस ज्वाइन कर लेने से लिंगायत समुदाय पर जबरदस्त असर पड़ा, और जैसे मैंने बताया कि जो भी लिंगायत कैंडिडेट कांग्रेस के द्वारा खड़े किए गए थे उसमें 3/4 लिंगायत समुदाय के कांग्रेस कैंडिडेट जीत गए। दोस्तों, बीजेपी ने बहुत सारे कैंडिडेटों का टिकट इस चुनाव में काट दिया, लेकिन उसका जस्ट उल्टा असर हुआ, और जो नए कैंडिडेट खड़े हुए उन्हें तो वोट नहीं मिला, और जो कैंडिडेट पहले से खड़े थे वो भी सही ढंग से चुनाव में सफल नहीं हो पाए, बहुत सारे मंत्री हार गए इस चुनाव में। तो गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट था कि एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए बहुत सारे मंत्रियों को, बहुत सारे एमएलएज को टिकट काट करके नए फ्रेश कैंडिडेट को टिकट दिया गया था, यह स्ट्रेटजी कर्नाटक में बीजेपी का सफल नहीं हुआ। दोस्तों, एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था भारत जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के द्वारा शुरू किया गया था कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसमें 521 किलोमीटर राहुल गांधी कर्नाटक में चले थे और 18 दिन वो कर्नाटक में समय व्यतीत किया था। कुल 20 विधानसभा से वो गुजरे थे 7 जिलों से होकर के, और उसमें कांग्रेस ने 15 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल किया। तो ये एक जबरदस्त सफलता थी। भारत जोड़ो अभियान का एक दूसरा भी प्रभाव पड़ा, और वह यह था जो कांग्रेस जो डिमोरलाइज थी, उनके जो वर्कर्स जो निष्क्रिय हो गए थे उनमें सक्रियता का संचार हुआ, नेताओं की जो अलग अलग टोली थी जो अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, भारत जोड़ो अभियान ने इन नेताओं को एकजुट करने का प्रयास किया, और जिस तरह से जनता का रिस्पॉन्स
भारत जोड़ो अभियान के दौरान राहुल गांधी को मिला, उससे कांग्रेस के नेता समझ गए कि अगर वो सही ढंग से चुनाव लड़े तो जनता उनके पक्ष में है और वह चुनाव जीत सकते हैं। और उसी समय से उन्होंने लगातार चुनाव अभियान का श्री गणेश कर दिया और वो एकजुट होकर के चुनाव प्रचार करते रहे। दोस्तों, इस चुनाव में महंगाई अर्थात इन्फ्लेशन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और कांग्रेस ने इसको जोर शोर से प्रचार किया कि उनके समय में 2014 से पहले 430 रुपये में एक गैस सिलेंडर मिलती थी, जो अभी 1200 रुपये में मिल रही है। इसका जबरदस्त असर हुआ और इसके बाद जो बेरोजगारी की समस्या है, खास करके गरीबों में, निम्न मध्यम वर्ग में, वह भी चुनाव में जबरदस्त प्रभाव डाला। कांग्रेस यह प्रचार करने में सक्षम हो सकी कि यह 40% की सरकार है और बिना कमीशन दिए हुए इस सरकार में कोई काम नहीं किया जा सकता है। यह परसेप्शन निचले स्तर तक उतर गया और जिसके कारण से बीजेपी को जबरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी का स्ट्रेटजी सही नहीं रहा। बीजेपी के द्वारा बार बार नेशनल इश्यूज पर ज़्यादा फोकस किया गया, जबकि कांग्रेस ने लोकल इशू पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया और लोगों ने लोकल इशू को ज़्यादा महत्व दिया। एक अन्य और कारण था कि अभी भी कांग्रेस का वजूद कर्नाटक में बहुत ही मजबूत है, खास करके ग्रास रूट लेवल पर, और उनके लोकल लीडर बहुत स्थापित नेता हैं, जैसे कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार या मुनियप्पा या परमेश्वरन, ये बहुत सधे हुए नेता हैं। ऐसा महत्वपूर्ण नेता जिनका कि पूरे कर्नाटक में अपील हो, वह बीजेपी में इसकी भारी कमी है। बीजेपी ने जो बोम्मई को चीफ मिनिस्टर बनाया वो कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए जनता पर और उनका जो कार्यकाल रहा वो पूरी तरह से लैकलस्टर रहा, जनता में वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाए। इन सब कारणों से कांग्रेस की जीत हुई और बीजेपी की हार हुई। दोस्तों, इस इलेक्शन का राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर पड़ेगा? पहला, अब जो राज्य के चुनाव होंगे उसमें लोकल इश्यूज पर पार्टियां ज़्यादा फोकस करेगी बनस्पत की नेशनल इश्यूज पर, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि राज्यों के चुनाव जो होते हैं उसमें लोकल इश्यूज ज़्यादा प्रभावी होता है बनस्पत की नेशनल इश्यूज के। और इसलिए अब राजनीतिक पार्टियां जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो उसके लिए अलग इश्यूज पर चुनाव लड़ेंगे और जब राज्य के असेंबली के चुनाव होंगे तो अलग इश्यूज पर चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों, इस चुनाव में जीत हासिल करने के कारण से कांग्रेस में एक नए ऊर्जा का संचार होगा और अभी एक साल के अंदर में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों में कांग्रेस जबरदस्त ढंग से चुनाव अभियान की शुरुआत कर पाएगी, वो ठीक ढंग से लड़ेगी, उनमें एक जबरदस्त एकता का संचार होगा, उनके जो रैंक एंड फाइल है उनमें भगदड़ नहीं मचेगी। वो अब ये समझ गए हैं कि बीजेपी को भी हराया जा सकता है, तो इस कारण से अब कांग्रेस में भगदड़ नहीं मचेगी 2024 के जनरल चुनाव तक। दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस के जीत का एक अन्य असर ये होगा कि अब जो 2024 का जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें कांग्रेस एक बार्गेनिंग कैपेसिटी में रहेगी और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर पाएगी अन्य अपोजिशन पार्टीज के साथ और अपनी लीडरशिप स्थापित करने में सफल हो पाएगी। इस चुनाव का एक अन्य भी प्रभाव होगा और वो यह है कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन होगा वह कोई कैटवाक नहीं होगा बीजेपी के लिए, उसे कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा, खास करके रीजनल पार्टी से और कांग्रेस से विभिन्न राज्यों में। और 2024 का जो आम चुनाव होगा वो जबरदस्त ढंग से दोनों नेशनल पार्टीज के बीच में, रीजनल पार्टीज के बीच में संघर्ष होगा। कंक्लूजन, कर्नाटक के चुनाव से 2024 का जनरल इलेक्शन एक रोचक चुनाव में तब्दील हो गया है। अभी तक कांग्रेस के पास में रिसोर्स क्रंच होता था और कैंडिडेट को लड़ने के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे पार्टी फंड से, लेकिन अब उनके पास कर्नाटक आ जाने से दूसरे जो अन्य जो चंदा देने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से उसके प्रति आकर्षित होंगे और कांग्रेस को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी को भी अब असेंबली चुनाव में अपने आप को रीओरियंट करना पड़ेगा और प्रत्येक असेंबली चुनाव के लिए अलग अलग इश्यूज तय करने होंगे और उस इश्यूज पर चुनाव लड़ने होंगे। दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस के जीत से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की
जो लीडरशिप है उसे पूरी तरह से स्थापित किया गया है। राहुल गांधी की लीडरशिप स्थापित हो गई है और अब कांग्रेस में भगदड़ नहीं मचेगी 2024 के आम चुनाव तक, और यह कांग्रेस के लिए एक बेहतर स्थिति है और देश के प्रजातंत्र के लिए भी बेहतर स्थिति है, ताकि दोनों नेशनल पार्टी मजबूती से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके इश्यूज के आधार पर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर आप अपनी टिप्स जरूर अंकित करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से हमें बताएं, सजेशन दें, मैं आपके सजेशन को जरूर शामिल करूंगा। थैंक यू वेरी मच।